हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है मटर मशरूम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम लिए हैं और इन्हें पानी से धोकर सुखा लिया है। अब मैं इन्हें स्लाइसेस में काट लूंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन्हें काट लें। काटने के बाद हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे। अब हमें इसे मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने एक कटोरी में 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे मशरूम में डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसके गर्म होने पर इसमें 2-3 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर के मेल्ट होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता डालकर तड़कने देंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए 2 प्याज डालकर 2-3 मिनट सॉटे करेंगे। प्याज ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। अब इसमें 4-5 कली लहसुन की बारीक काटकर या पीस कर डाल देंगे और 1-2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें 2 टमाटर का पेस्ट बनाकर डालेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मिला लेंगे। मशरूम को मैरिनेट करते वक्त भी हम मसाले डाल चुके हैं, इसलिए सारी चीजें उसी हिसाब से डालें। अब इसे 3-4 मिनट तक ढककर पका लेंगे, इससे मसाला जल्दी भुन जाएगा। मसाला पक गया है, अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 10-12 काजू 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लिया है। 3-4 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। इसे मिला लेंगे और पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसमें उसी बोल का पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने मशरूम मैरिनेट करके रखे थे। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालें। ग्रेवी में उबाल आने पर इसमें मटर डाल देंगे। मुझे मटर थोड़े कम लग रहे हैं तो मैं इसमें 1/2 कटोरी मटर और डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम मटर यूज किए हैं। अब इसे ढककर मटर गलने तक पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सब्जी को बीच में 1-2 बार चेक कर लेंगे। काफी अच्छी ग्रेवी नजर आ रही है और सब्जी भी पक गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है।
अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला देंगे और 1-2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मटर मशरूम रेडी हैं, आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।